ये हम लोग बात कर रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स के, जो सेगमेंट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो रिलेटेड है लिपिड से। लिपिड्स ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जो सबसे पहले प्रॉपर्टी। लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट हैं। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रो मॉलिक्यूल। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डिवीजन किया था, डिवाइड किया था बायो मॉलिक्यूल्स को उनके साइज के बेसिस पर, मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल। तो लिपिड का जो अकरेंस था, उसका जो आइसोलेशन का जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो जो अकरेंस हम लोग को था वो किसके साथ हो रहा था, लिपिड्स का माइक्रो मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि लिपिड्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। वेट के पैरामीटर से अगर हम लोग देखें तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन अपने केमिकल नेचर की वजह से वो माइक्रो मॉलिक्यूल के साथ दिखाई देते हैं। इनका जो वेट है लिपिड्स का, वो जनरली एक्सीड नहीं करता है 800 डाल्टन को। तो 18 टू 800 डाल्टन तक के जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखते हैं, और उसके बाद जिनका इससे बहुत ज़्यादा होता है उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये स्ट्रिक्ट मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन अपने केमिकल नेचर की वजह से ये मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ पाए जाते हैं। लिपिड्स के टाइप की हम लोग बात करें तो मेनली तीन टाइप्स में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल ये फैटी एसिड हो सकते हैं, ग्लिसरॉल हो सकते हैं, और ये उन दोनों का कंबाइंड फॉर्म भी हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो देखिए, जो पहला टाइप है सिंपल फैटी एसिड, फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन की चेन जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और आर ग्रुप के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप किसके साथ जुड़ा होता है, आर ग्रुप के साथ हाइड्रोकार्बन की चेन है। और आर ग्रुप जो होता है वो एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक का चेन हो सकता है। और ये जैसे मिथाइल की हम लोग बात करें, मिथाइल ग्रुप में आप देख पा रहे हैं एक कार्बन है, इथाइल ग्रुप की हम लोग बात करें दो कार्बन है, या फिर और इससे ज़्यादा। तो ये 1 से 19 कार्बन तक की चेन हो सकती है, जो एंड किस पे होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर एंड होती है। कुछ जनरल एग्जांपल की बात करें एनसीईआरटी के हिसाब से, दो एग्जांपल आपको ज़रूर याद रखना है। पहला है पामिटिक एसिड, जनरल इन्फॉर्मेशन के मोस्ट कॉमन फैटी एसिड के कैटेगरी में रखा जाता है पामिटिक एसिड को। तो पामिटिक एसिड में कितने हैं, 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ध्यान रखना है कि देखिए हम लोग बोल रहे हैं फैटी एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी एक कार्बन होता है, और जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, आर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की बात की जा रही है फैटी एसिड में, पामिटिक एसिड में बोला जा रहा है 16 कार्बन, तो इस 16 कार्बन में वो कार्बोक्सिलिक कार्बन भी जुड़ा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, अरेकिडोनिक एसिड का, अरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। तो पामिटिक एसिड में टोटल 16 है, अरेकिडोनिक एसिड में टोटल 20 है। फर्दर फैटी एसिड्स को हम लोग दो और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे पामिटिक एसिड है, स्टियारिक एसिड है। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में आते हैं, और इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। और दूसरी कैटेगरी है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, जिसमें कि डबल बॉन्ड होता है, जैसे लिनोलिक, लिनोलेनिक, ओलिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड। तो ये सभी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कैटेगरी में आते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। ऐसा लिपिड जिसमें कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, तो वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा। और ऐसा लिपिड जिसमें कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, तो वो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, लिक्विड होगा। फर्दर ये जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स के दूसरे कैटेगरी ग्लिसरॉल के, सिंपली ग्लिसरॉल हो सकते हैं, केमिकली क्या बोलते हैं उसको, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इनका स्ट्रक्चर भी है जो हम लोग को ध्यान में रखना होगा, फैटी एसिड का, ग्लिसरॉल का। और उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी है इस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो लिपिड्स को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि लिपिड्स आर इस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब उसमें फैटी एसिड के नंबर के बेसिस पर वो मोनोग्लिसराइड्स हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड्स हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं, यानी कि एक ग्लिसरॉल के साथ, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ कितने फैटी एसिड अटैच्ड हैं। एक ही फैटी एसिड अटैच है, मोनोग्लिसराइड्स दो हैं, दो फैटी एसिड अटैच हैं, डाइग्लिसराइड तीन है, तो ट्राइग्लिसराइड, एक ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। फर्दर ये जो फैट है
तो ये जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। फैट बोलेंगे जब मेल्टिंग पॉइंट उनका क्या होगा, ज़्यादा होगा, हायर होगा। ऑयल बोलेंगे जब मेल्टिंग पॉइंट उनका लोअर होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये फैट और ऑयल के फॉर्म में एग्जिस्ट करने का जो सबसे मेन रीजन है वो है नेचर ऑफ फैटी एसिड। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फैट। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जो उनका फिजिकल अपियरेंस होगा। और अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो वो किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में होंगे, जिनका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली फैट से क्या होगा, कम होगा। इनमें ज़्यादा ज़्यादा इनमें डबल बॉन्ड का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जो डबल बॉन्ड है इसको सैचुरेट किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस को करके हम क्या कर सकते हैं, अनसैचुरेट को सैचुरेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑयल को फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बेसिक मैकेनिज्म है वनस्पति घी बनाने का, डालडा वगैरह जैसे डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल आप सुनते हैं। इसके बाद देखिए, ये तो सिंपल लिपिड्स की हम लोग बात कर रहे थे। सिंपल लिपिड्स में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं होगा। इसके अलावा फिर कंपाउंड लिपिड हो सकता है। कंपाउंड लिपिड में तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा कोई तीसरा एडिशनल कंपोनेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि एग्जांपल लिया गया फास्फोलिपिड्स, यानी कि लिपिड्स विद फास्फोरस। लिविंग वर्ड में इनका बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि लेसिथिन, ये है जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। लेसिथिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर आप ध्यान रखें, लंग्स के ऊपर ये फास्फोलिपिड ये सिक्रेट करते हैं एल्वियोलाई, और ये सर्फेक्टेंट की तरह से काम करता है लंग्स के ऊपर, जो कि उनके इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है और उनके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। तो ये लेसिथिन है, किस ग्रुप में रखना है इसको, फास्फोलिपिड के ग्रुप में रखना है। इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना होगा, अभी स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। और कुछ ऐसे भी फास्फोलिपिड्स होते हैं जो कि न्यूरल टिश्यूज में पाए जाते हैं, जैसे माइलिन शीथ के फॉर्म में, ब्रेन लिपिड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, सेरेब्रोसाइट्स उनको बोलते हैं। तो ये लिपिड्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स का अगर जनरल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करें तो ये हाइपोक्रेटेनियस फैट के रूप में डिपॉजिट होते हैं बॉडी के अंदर, एक इंसुलेटिंग लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ये इंसुलेटिंग लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जो हीट का लॉस है उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। विंटर के सीजन में ये हीट को मेंटेन, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल की तरह से ये काम करते ही हैं। तो ये सभी ये लिपिड्स का क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर अभी हम लोग बनाएंगे और उसके स्ट्रक्चर को फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को इसमें ऐड करेंगे। देखिए, लिपिड से रिलेटेड जिन स्ट्रक्चर्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ बोर्ड पर देखिए ड्रॉ किए गए हैं। पहला स्ट्रक्चर लिपिड का वो फैटी एसिड, जो एग्जांपल यहाँ पर बना हुआ है 16 कार्बन के साथ पामिटिक एसिड का। दूसरा स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ट्राइग्लिसराइड्स का, जिसमें कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और इसके साथ तीन जो है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर R1, R2 और R3, ये तीनों क्या है, फैटी एसिड्स हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है और ये पोजीशन ध्यान में रखना है कि किस पोजीशन पर ग्लिसरॉल के साथ किस पोजीशन पर ये फैटी एसिड वहाँ पर आकर अटैच हुआ है। कंपाउंड लिपिड की बात करें, एक एग्जाम्पल फास्फोलिपिड लेसिथिन की बात करें तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, इसमें फिर फैटी एसिड्स हैं और नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो एक फैटी एसिड को रिप्लेस कर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। फास्फेट है, उसके बाद कोलिन है और ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, फास्फोलिपिड या लेसिथिन। और लास्ट स्ट्रक्चर जो लिपिड से रिलेटेड ध्यान में रखना है वो कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल का लिविंग टिश्यू में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन बॉडी में एक इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करें तो विटामिन डी का डेरिवेटिव या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड डिराइव होने वाले जितने भी स्ट्राइडल हार्मोन्स हैं, तो जैसे टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरॉन है, कॉर्टिकॉइड्स हैं और विटामिन डी है, तो इन सभी के फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल एक प्रिकर्सर के रूप में यूटिलाइज होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं फैटी एसिड, जिसमें पामिटिक एसिड का एग्जांपल है ग्लिसरॉल, एक ट्राइग्लिसराइड्स, एक फास्फोलिपिड लेसिथिन और एक कोलेस्ट्रॉल। ये स्ट्रक्चर हम लोग को ध्यान में रखना है। जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ स्पेशल कंपाउंड्स भी होते हैं जिनको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग की कैटेगरी में रखते हैं। रिंग कंपाउंड की बात करते हैं, कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं, तो उसमें दो तरह के रिंग के होते हैं, एक को हम होमोसाइक्लिक बोलते हैं और एक को हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब जब रिंग फॉर्म हम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं,
तो वहां पे कार्बनर्स पर कार्बन की जगह केवल कार्बन ही ना प्रेजेंट हो, अगर सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो डिफरेंट पॉइंट्स पर तो उसको हम होमोसाइक्लिक बोलेंगे, और कार्बन के अलावा दूसरा कंपोनेंट जैसे कहीं पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है कार्बन की जगह तो उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग जो कंपोनेंट्स हैं ये भी एसिड सॉल्युबल पोल में पाए जाते हैं, यानी कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। एक एग्जांपल की हम लोग बात करें हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग बायो मॉलिक्यूल्स के, तो वो क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस देखिए टोटल 5 है लिविंग वर्ल्ड में जो पाए जा रहे हैं, वो नाइट्रोजनस बेसिस एडिनिन है, गुआनिन है, और जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, प्यूरीन, स्ट्रक्चर के बेसिस पर आइए, और साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये पिरिमिडिन। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है जिनका, वो एडिनिन का दिया हुआ है, प्यूरीन, और यूरेसिल का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि क्या है, पिरिमिडिन। दो मेन ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखते हैं। तो दो ग्रुप इनके बना दिए गए स्ट्रक्चर के बेसिस पर, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में दो रिंग होते हैं और पिरिमिडिन में एक ही रिंग होता है। प्यूरिन के दो एग्जाम्पल हैं एडेनिन और गुआनिन, जबकि पिरिमिडिन के तीन एग्जाम्पल्स हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ये डिफरेंट कंपोनेंट के साथ आगे जुड़कर और दूसरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ तक इनको लेकिन रखा जाता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में। जैसे ये जो प्यूरीन है, एक हम एग्जांपल लें एडिनिन, ये एडिनिन एक शुगर पेंटोज के साथ, राइबोज के साथ अगर जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसिन। और यहाँ पर दो एग्जांपल दिए गए हैं, तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर ये दो कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं एडिनोसिन और यूरिडीन का। यूरेसिल जुड़ जाए शुगर के साथ तो उसको क्या बोल रहे हैं, यूरिडीन, और एडिनिन अगर जुड़ जाए शुगर के साथ तो उसको क्या बोल रहे हैं, एडिनोसिन। तो ये एडिनिन शुगर, यूरेसिल शुगर, तो एडिनोसिन और यूरिडीन। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और नाइट्रोजनस बेस शुगर और उसके साथ अगर एक फास्फेट ग्रुप जुड़ जाए, फास्फोरिक एसिड से आ रहा है, तो ये तीनों कंपोनेंट्स के कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पर जिसका टाइप डिसाइड कर लेते हैं, एडिनिलिक एसिड यहाँ पर एक दिया हुआ है, एक फॉस्फेट है तो एडिनिलिक एसिड मोनोफॉस्फेट इसको बोल सकते हैं, AMP बोल सकते हैं। दो फॉस्फेट जुड़ जाए तो ADP, तीन फॉस्फेट जुड़ जाए तो ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पर देखिए ये जब तक सिर्फ शुगर जुड़ा हुआ है एडिनोसिन, एक फॉस्फेट जुड़ गया इसके साथ तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया या एडिनिलिक एसिड हो गया, दो फॉस्फेट जुड़ गए एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट जुड़ गए एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ATP। ATP एक बहुत ही नोन बायोमॉलिक्यूल है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, इसी के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है जो कि सभी तरह के फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो फर्दर देखिए एक समराइज कर दिया गया है इन स्ट्रक्चर्स को, ये स्ट्रक्चर्स तो जरूर याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। समराइज इस तरह से कर दिया गया, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट तीनों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, या इसी को आप और इस तरह से बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, तो दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। फर्दर न्यूक्लियोसाइड्स में जैसे टोटल 5 नाइट्रोजनस बेस हैं तो 5 तरह के न्यूक्लियोसाइड्स, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थायमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन, ये नाम लिया जा रहा है शुगर मॉलिक्यूल के साथ जब नाइट्रोजनस बेस कंबाइंड हो जा रहा है, और जब फॉस्फेट ग्रुप भी उसमें जुड़ जा रहा है तो न्यूक्लियोटाइड, एडिनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, थायमिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड। तो इस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस को जैसा हमने अर्लियर डिस्कस किया, एडिनिन गुआनिन प्यूरिन है और साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल पिरिमिडिन है। तो ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इसके आगे की बात हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। तो ये हम लोग बात कर रहे थे अभी न्यूक्लियोटाइड्स की, तो न्यूक्लियोटाइड तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में इन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा फॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखे जाते हैं और इनके पॉलीमराइजेशन से फिर मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, और इनमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं
जो शुगर का नेचर होता है राइबोज है कि डीऑक्सीराइबोज है, इसके बेसिस पर दो टाइप्स के पॉलीमरिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिनको हम रिस्पेक्टिवली डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। और ये तो वेल नोन फैक्ट है कि ये दोनों ही जो कंपोनेंट है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह से यूज करते हैं। जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल है ऑब्वियसली वो डीएनए है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे हम वायरसेस की बात करें, आजकल एक वायरस बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उससे हम लोग परेशान भी बहुत ज़्यादा है, COVID-19 की बात करें, तो ये आरएनए भी कुछ वायरसेस में जीनोम की तरह से ऐड करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह से ऐड करता है। तो फैक्ट ये ध्यान रखना है कि डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह से एक्ट करते हैं। फर्दर ये जो बायो मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन बायो मॉलिक्यूल्स को दो और कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। देखिए ये तो ऑब्वियस है कि बॉडी के अंदर जो है क्या हो रहा है, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑपरेट कर रहा है, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस बिना केमिकल कंपोनेंट्स के हो नहीं सकते। तो वही जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो इन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट्स बोल रहे हैं। और उनका इन्वॉल्वमेंट का लेवल क्या है, इसके बेसिस पर डायरेक्ट यूज उनका है कि नहीं है, इसके बेसिस पर हम इन मेटाबोलाइट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, एक को प्राइमरी मेटाबोलाइट और एक को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स हैं जो कि डायरेक्टली किसी न किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, जैसे अमाइनो एसिड है, शुगर है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में रखते हैं। ये हमको मिलता है जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑब्टेन किए गए बायो मॉलिक्यूल्स को फिल्टर करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, तो ये सभी कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं। फर्दर जब हम किसी फंगल सेल को या किसी दूसरे इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिनका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ट्रेस नहीं कर पाते, कोई वेल नोन उनका जो फंक्शन है वो उसमें स्टेब्लिश नहीं हो पाता, जैसे अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, टॉक्सिन्स, पिगमेंट्स, एंटीबायोटिक्स, जिनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में। तो देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट का मतलब क्या हो गया, जो डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या हो गया कि जो डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए उनका कोई फंक्शन प्रॉपरली नोन नहीं है, नो नोन फंक्शन इन होस्ट। तो ऐसे मेटाबोलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हाँ ये हो सकता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए वो यूजफुल हो सकते हैं, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए नो नोन फंक्शन इन होस्ट और मे बी यूजफुल फॉर ह्यूमंस। तो ह्यूमंस को यूज करने लायक बहुत सारे मटेरियल्स जैसे रबर है, ड्रग है, सेंट्स है, एरोमेटिक सब्सटेंसेस और स्पाइसेस एटसेट्रा, तो ये सभी किस कैटेगरी में रखे जा रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। एक लिस्ट दी हुई है जो एग्जाम्पल हम लोग को ध्यान, ये चार्ट हम लोग को याद करना होगा, जैसे पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड, एंथोसियानिन, अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, एसेंशियन ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में एविलिन राइजिन, लेक्टिन में कॉनकैनावेलिन ए, ड्रग्स में विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी इनके अंदर पाई जाती है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम, सेल्यूलोज। तो ये लिस्ट है कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, ये लिस्ट, ये चार्ट हम लोग को याद करना है और बिल्कुल पिन पॉइंट करके इतने ही एग्जांपल हम लोग को ध्यान में रखने हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल के रूप में, ठीक है। अब इसके आगे ये यहाँ तक की तो बात हम लोग जनरल, ये डिस्क्रिप्शन हो गया बायो मॉलिक्यूल्स का, और एक जनरल क्लासिफिकेशन किया हम लोगों ने माइक्रो मॉलिक्यूल जो कि एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जा रहे हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि एसिड इन सॉल्युबल पूल में पाए जा रहे हैं। तो एसिड इन सॉल्युबल पूल में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो इनकी बात हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे।